सीतापुर के मोहाली इलाके में 3 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव देखने के बाद बच्ची की गला दबाकर हत्या और रेप की आशंका जताई जा रही है। परिजनों का कहना है कि बच्ची काफी देर तक दिखाई नहीं दी, इसके बाद उसकी खोजबीन शुरू की गई। तब गांव के ही एक घर में बच्ची का शव बोरे में बंद मिला। बंद मिली उसी के घर से बरामद हुई, अपराधी के घर से, राजू मिश्रा के घर से बरामद हुई। और नशेड़ी था, नशा करता था, दारू वारू पीता था, घर में कोई था नहीं। इसने अपने चाचा और भाई और माँ को नशे की वजह से मार के भगा दिया। घर में केवल अकेला था अपराधी और बच्ची छोटी थी, उसे किसी बहाने से अपना बुला करके अपना गलत करने की कोशिश की और बाद में जो सख्त मतलब खुल पाए इसलिए उसको मार दिया। आप लोग कैसे जान पाए? उसकी चप्पल जो थी बच्ची की, उसके घर से बरामद हुई, तो अभी लोगों को शंका हुई कि जब चप्पल इसके घर से बरामद हुई तो हो सकता है बच्ची इसी के घर में बरामद हो। जब ढूंढा गया तब पता चला कि बच्ची इसी के घर से। बच्ची कितने देर जो है गायब रही घर से? लगभग 4-5 घंटे। 6 बजे तो लगभग 4-5 घंटे गायब रही। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और गांव के ही एक शराबी युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी नशे में बच्ची को अपने साथ ले गया और रेप के बाद हत्या कर दी। बोरी क्षेत्र में एक पीरपुर रिहाई परिछाई ये गांव का मामला है। ये शाम को 5-6 बजे के आसपास उसी गांव की एक 3 साल की बच्ची कहीं गुम हो गई। उसके परिजन उसको ढूंढने लगे। बाद में करीब 7:30-8 बजे के आसपास उसी गांव के उसी घर के बगल में एक राजू पुत्र कल्लू उसके घर में बोरे से उसकी डेड बॉडी बरामद हुई। लड़की लहूलुहान अवस्था में थी और निश्चित रूप से उसको प्रथम दृष्टया देखने पर यह प्रतीत हुआ कि उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या की गई है और राजू पुत्र कल्लू की गिरफ्तारी कर ली गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई, संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, जो आरोपी है क्या वो गांव का ही है निवासी? और बच्ची को किस तरीके से लेके गया था? क्या कोई उसको चॉकलेट वगैरह या कुछ इस तरीके से? ये तो मतलब वही अगल बगल में बच्ची खेलती थी, उसको उठा लिया होगा। 3-4 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है, गोद में ही उठा लिया होगा। पूरी बात अभी वो बता रहा है कि हम बच्ची को अपने घर में ले गए और उसके साथ हमने घटना की, स्वीकार भी कर रहा है। ये बड़ी जघन्य और मतलब बड़ी शर्मनाक घटना जो है। सर, किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया? अभी तो तहरीर प्राप्त हुई है, अभी अभियोग पंजीकृत करने के बाद स्पष्ट रूप से बता पाएंगे इसमें कौन कौन से तहरीर के मुताबिक में क्या क्या उसमें तथ्य दिए गए हैं, उसके आधार पर फिर धाराएं लगाई जाएंगी। घटना के बाद गाँव में सनसनी फैल गई। पुलिस की तत्परता के कारण मौके से ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप और हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। सीतापुर से मोहम्मद रिजवान की रिपोर्ट।